के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गोरखपुर क्षेत्र के सभी 13 जिलों के भाजपा पदाधिकारियों के साथ किया मैराथन बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर गोरखपुर क्षेत्र के सभी लोकसभा सीटों पर किया मंथन। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सम्मेलन में सीएम योगी ने की शिरकत। गिनाई खिलाड़ियों के लिए सरकार द्वारा की गई उपलब्धियां। कहा, खिलाड़ियों के स्वाभिमान के लिए तत्पर है प्रदेश सरकार, बनाए फिर केंद्र में मोदी सरकार। गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार। हम मतदान जरूर करेंगे इस बार के मुहिम के साथ प्रभुजनों ने लोगों से किया मतदान करने की अपील। कहा, नए राष्ट्र के निर्माण के लिए अवश्य करें मतदान। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री ने किया लोकसभा गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी, संयोजक, जिला व महानगर अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजकों के साथ बैठक। कहा, हमारा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता तो चुनाव जीता के लक्ष्य पर काम करें कार्यकर्ता। अतिक्रमण और सड़क के किनारे मलबा को हटाने के लिए नगर निगम ने रविवार को चलाया अभियान, हटाया गया मलबा और अवैध अतिक्रमण। जिला चिकित्सालयों के ओपीडी परिसर में स्थापित ट्रांसफार्मर में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, बड़ा हादसा टला। दिव्यनाथ पीजी कॉलेज में अपनों के साथ अपनों से बात कार्यक्रम का किया गया आयोजित। शिक्षकों ने प्रोफेसर भगवान सिंह द्वारा भारत नेपाल पर लिखी गई पुस्तक का किया विमोचन। और रेगुलर कोच की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से मिली महिला कबड्डी खिलाड़ी। कहा, प्रशिक्षण में होती है परेशानी, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन।